आपने ही तीर्थ यात्रा का सुझाव दिया था। मैंने उस सुझाव का पालन किया। सत्य है, बड़ों के बताए हुए मार्ग पर चलने से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। हाँ पुत्र हनुमान, विनम्रता, ज्ञान, साहस का अद्भुत उदाहरण हो तुम। तुमने आज जो असाध्य कार्य को साध्य बनाया, वो कोई और नहीं कर सकता था। तुम्हारा सदैव कल्याण हो पुत्र। ऋक्षराज महाराज जामवंत जी पधार रहे हैं। प्रणाम ऋक्षराज जामवंत। प्रणाम। प्रणाम जामवंत जी। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे, आपका स्वागत है। प्रणाम केसरी महाराज, आपको जीवन दान मिला, इतना सुखद समाचार पाकर भला मैं कैसे नहीं आता। महाराज केसरी, सभी अतिथिगण पधार चुके हैं, प्रजा भी उत्साहित हो रही है, अब समारोह आरंभ करें। किंतु गरुणों के राजा जटायु और नागराज पंचपन तो अभी तक आए नहीं। वे कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं कौन जानता है। नागों और गरुणों की तो चिरकाल से शत्रुता है। सत्य है, गरुणों और नागों को परस्पर युद्ध करने से अवकाश ही कहां मिलता है। संभव है यहां के मार्ग में वो एक दूसरे के सामने आ गए हों और युद्ध प्रारंभ हो गया हो। उनकी प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। आप उचित कह रहे हैं, तो फिर हमें मंगल ध्वनि से समारोह प्रारंभ करना चाहिए। और प्रतीक्षा नहीं, हनुमान, हनुमान, चलो हम भी नृत्यकारों और वादकों के समीप चलते हैं, बहुत ही आनंद है नृत्य और संगीत में। प्रणाम ऋक्षराज काका जामवंत। यशस्वी भावा, पुत्र सुग्रीव, वाली कहाँ है, दिख नहीं रहा। वाली भैया तपस्या से लौटे नहीं है, देवराज से वरदान लेकर ही लौटेंगे। यदि बाली भैया भी यहाँ होते तो कितना आनंद आता। बाली भैया अपने तपस्या में अवश्य सफल होंगे, ये हनुमान का विश्वास है। अरे अरे, इतनी तेज मौसम बिगड़ रहा है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतीत हो रहा है मेरा पुत्र वाली आ गया, जो तपस्या करने के पश्चात वरदान प्राप्त कर वापस लौट रहा है। वाली नहीं, ये तो पंचफन और पक्षीराज जटायु हैं।
अरे ये क्या, जटायु पंचफन के साथ? महाराज गरुड़ की जय! महाराज पंचफन की जय! महाराज गरुड़ की जय! महाराज पंचफन की जय! प्रणाम। आप सभी को जटायु का प्रणाम। पक्षीराज महाराज जटायु और नागराज पंचभन पधार रहे हैं। नागराज और जटायु एक साथ, ये कैसा चमत्कार है? गरुड़ों और नागों की शत्रुता समाप्त हो गई। चिर शत्रु और परम मित्र बन गए हैं। आप दोनों का स्वागत है, पधारिए। सबको लगा था कि वाली भैया आने वाले हैं। ये तो नागराज और पंचवन है, तो वाली भैया कहाँ है? वो क्यों नहीं आया अभी तक? अमृत प्राप्ति का मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। कौन है वो आभागा जिसने लंकाधिपति दशानन रावण को चुनौती दी है? किसने यह दुस्साहस किया है? जिसने शिखर के पर्वत को तोड़कर मेरे तप में व्यवधान डाला है? जिसने मेरे हवन कुंड को सागर के अटल जल में गिराकर प्रज्वलित अग्नि को शांत कर दिया? वो जो भी हो, उसने बहुत बड़ी भूल की है।
हनुमान, आ रहा हूं मैं तुझे परास्त कर तेरा संहार करने। एक साधारण वानर, एक और दुष्ट वानर, इस अधम वानर के जीवन लीला का अंत समीप है। इसे मृत्यु दंड मैं स्वयं दूंगा। अपने इष्ट को स्मरण कर ले वानर, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तेरा वध होने वाला है। रावण है हम पुष्प। ये तो बड़े ही सुखद समाचार हैं कि आप दोनों की शत्रुता समाप्त हो गई। किंतु ये सब हुआ कैसे? इसके कारण भी आप हैं हनुमान। आपने मुझे उचित मार्ग दिखाया, जिस पर मैं आज भी अग्रसर हूं। इसी कारण मैंने मेघासुर को बंदी बना लिया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो गरुड़ों और नागों के बीच घमासान युद्ध हो जाता। मेघासुर? मेघासुर जो किसी भी क्षण कहीं से भी अकस्मात प्रकट हो जाता। जब भी अपने विकराल सर्प रूप में आता तो उसके समक्ष पर्वत भी छोटा प्रतीत होता। जीव जंतुओं को उसके आने की भनक लगती और वे अपने आप को रक्षित कर पाते। इससे पूर्व ही वो दुष्ट अपने केवल एक श्वास मात्र से उनका शिकार कर लेता। मेघासुर की विषाग्नि से न केवल जीव जंतु मर रहे थे अपितु नदी व सरोवर भी पूरी तरह से विषाक्त होते जा रहे थे। इसीलिए उस पशु पक्षी संहारक मेघासुर को रोकना आवश्यक हो गया था। मेघासुर को पकड़ना अत्यंत कठिन था, किंतु मैंने अन्य नागों की सहायता से उसे पकड़कर बंदी बना लिया। पंचफन ने मेघासुर को बंदी बनाकर हम पक्षियों की रक्षा की है, हम पर उपकार किया है। तभी हमने निश्चय किया है कि ऐसी शत्रुता का कोई लाभ नहीं। इससे अधिक प्रसन्नता की बात तो और हो ही नहीं सकती। आप दोनों की मित्रता सदैव बनी रहे। हनुमान चलो ना, कितना मधुर संगीत है। हाँ आओ ना, चलो उधर तुम भी एक गीत सुनाओ ना। मित्रों, मैं मृत्यु लोक जाकर मृत्यु पर विजय पा सकता हूँ, किंतु गीत गाना? नहीं नहीं, आप बात बनाकर नहीं बचोगे। चलो शीघ्र चलो और गीत सुनाओ। सब लोग कितनी उत्सुकता से तुम्हारी ओर देख रहे हैं। सुनाओ ना। गाओ हनुमान। सुनाओ ना हनुमान। गाओ हनुमान। तो ठीक है, मैं आप सबको एक गीत सुना ही देता हूँ। गाओ हनुमान। तो ठीक है, मैं आप सबको एक गीत सुना ही देता हूँ। मैं हनुमान तुम्हारे समक्ष अपनी वरदानी शक्ति से तुम्हारा अभिमान तोड़ने। दिमक दिमक
डिमक डिम डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डिम शंकराय जयति जयति जय जयति जयति जय जटाधराय गंगाधराय। डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डिम शंकराय जयति जयति जय जयति जयति जय जटाधराय गंगाधराय। नमः शिवाय पुष्पक विमान कैसे रुक गया? ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वरुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। नमः शिवाय धन्यवाद। ये क्या हनुमान अपने गीत में इतना बह गया था कि हनुमान को ध्यान ही नहीं रहा कि संध्या वंदन का समय हो गया है। संध्या की वेला हो गई, संध्या वंदन का समय हो गया। वानर, तू वही मूर्ख ना जिसने दशानन रावण की तपस्या में विघात डालने का दुस्साहस किया है।
तुम जो भी हो मेरा समय व्यर्थ ना करो, अन्यथा कठोर दंड के भागी बनोगे। वाली अभी संध्या वंदन के लिए जा रहा है। तू मुझे दंड देगा। तू जानता भी है कि मैं कौन हूं? नहीं जानता और ना जानना चाहता हूं, और मुझे उससे कोई अंतर भी नहीं पड़ता। मरकट से पूर्व ही इस मूर्ख पर अपनी वरदानी शक्ति के परीक्षण का अवसर मिला है।